कैमरे लेंस के अंदर तक दिख रहा है इसमें। मस्त दिख रहा है, देखा एक ही आंख का दिखता है इसमें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी जस्ट नहा धो के रेडी हो गए सभी के सभी, बिकॉज आज हम जा रहे हैं फिर से जिम कॉर्बेट जंगल सफारी करने के लिए। लेकिन आज एक्सट्रीम वाली करेंगे, जहाँ पे मतलब हम अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, जहाँ पे जिप्सी जा सकती है गवर्नमेंट की, वहीं जाएंगे। और आज हमारा प्लान है रात को जंगल के अंदर ही स्टे करने का। रात को ओरियो चलोगे? और ओरियो को ले चले क्या? ये हमारा ओरियो ऐसा है, इसके सामने अगर टाइगर भी आ जाएगा ना, ये टाइगर पे भोंकेगा, ये टाइगर से भी डरेगा। ये ऐसा है, किसी डॉग से डरता ना, किसी एनिमल से डरता है। अब इसको पता नहीं कोई डॉग या फिर कोई एनिमल क्या कर सकता है, इसको भी दुनियादारी का नहीं पता। आज हम जिम कॉर्बेट की जिस जगह पे जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल मेन जगह है, मेन जोन है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी तो हम तीनों भाई जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे को हमारे चाचा जी मिलेंगे। तो अभी जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, आज खिचड़ी बनी है तो खिचड़ी खाते हैं और फिर चलते हैं। तो चलो, खाना पीना चाय वाय सब हो चुकी है, अब जल्दी से निकलते हैं, लेट हो रहे हैं यार। तो अभी चलते हैं। मम्मी जी प्रणाम, ठीक है, ख्याल रखना, बस दुआ करना हमको टाइगर दिखे वो हम पे झपट्टा ना मारे। ये देख इसके बाल, अरे मेरे बाल तो छप रहे हैं ऐसे। पहले तेल लगा के लग, थोड़ा सा। बाय ओलू। बहुत 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 ज्यादा लेट हो गए हैं, थार लेके आता हूँ मैं, धुलवाई भी नहीं, इतनी गंदी हो रही है ना थार। भाई थार के हाल देखना, कितनी मिट्टी हो रखी है। बैग निकाल ले, बैग। मैं तो सिर्फ एक बैग लेके आया हूँ जिसके अंदर सारे कैमरा गियर्स हैं, बस कपड़े वपड़े नहीं लेके आया हूँ। भाई मस्त है यार, ये तो पूरा दिख रहा हूँ मैं। हाय शुभ, हाय, हाय शुभ, हाय, हाउ आर यू। तो भी गाइस जामनगर तो पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल गए हमको, तो सबके हाथ में फोटोज वगैरह ले रहे हैं अभी हम। और थार हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, और अभी हम जाएंगे जिप्सी में। तो दो दिनों तक सर हमारे साथ में रहने वाले हैं, गाइड कह सकते हो, ड्राइवर कह सकते हो। चलो मैं बैठूंगा आगे, साहिल और पीयूष बैठ जाएंगे बीच में। आप दोनों बीच में बैठे, बढ़िया बढ़िया। तो अभी गाइस निकल तो पड़े हैं, और काफी मजा आ रहा है, मतलब एकदम से खुली खुली है तो मजा आएगा, थार में ये मजा नहीं आता। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल। सर का नाम गोपाल। तो दो दिन तक ये हमारे साथ में रहने वाले हैं, और हमको जंगल घुमाने वाले हैं, हमको सफारी कराने वाले हैं, और हमको एनिमल्स दिखाने वाले हैं, और हमारे गाइड भी रहने वाले हैं, तो मजा आएगा। तो गाइस अभी सर तक गए हैं एटीएम पे कुछ कैश निकालने, और हम आए यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने। तो यहाँ से पेट्रोल पंप भराते, तो यहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं और सीधा चलते हैं सफारी पे। और कैसे हो सर? बढ़िया। तो हमारे साथ में हमारे दो चाचा जी जा रहे हैं। भाई मजा आ रहा है जिप्सी में तो यार, ये थार भी खुलने वाली होनी चाहिए थी यार। कैमरे लेंस के अंदर तक दिख रहे हैं, मस्त दिख रहा है, दूर का भी एकदम क्लियर दिख रहा है इसमें। तो अभी जंगल में एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे रुके कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, बिकॉज वहाँ तो मिलेगा नहीं। सो गाइस ये हमारे पीछे यहाँ का मेन गेट, यहाँ से हमारी एंट्री होगी जंगल के अंदर। तो और अभी यहाँ पर एंट्री करवा रहे हैं इसके अंदर जाने के लिए। ये जो है ना, ये मेन गेट है। तो फाइनली गेट खुल चुका है, वेलकम टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो अभी हम वॉशरूम वगैरह जाके आते हैं, बिकॉज यहाँ पे है वॉशरूम, फिर आगे जंगल में कहीं भी वॉशरूम अलाउ नहीं है। एकदम क्लियर दिख रहा है, मस्त सब कुछ, बस टाइगर दिख जाए, बस टाइगर दिख जाए यार। और हमको दो दिन में 300 किलोमीटर कवर करने हैं, 300 किलोमीटर जंगल में, मजा आने वाला है। बस शांत रहना, कुछ भी दिखेगा तो शांत रहना। तो गाइस टाइगर के फुटप्रिंट्स दिखे हमको यहाँ पे, देखो ये 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 उसके बच्चे के भी हैं छोटे वाले, ये टाइगर भी देखना है ना। तो अभी गाइस हम चलते जा रहे हैं, और अभी दिन का टाइम है ना, धूप का टाइम है, तो सारे एनिमल्स के विश्राम करने का टाइम है, सोने का टाइम है। ये रहा गाइस, भाई कितना खतरनाक लग रहा है, नदी किनारे लेटा हुआ है, मस्त तो सही लग रहा है, चोंच सी लग रही है, हैं चोंच देखो मेरे को, ये एलिगेटर है ना। हाँ एलिगेटर, हाँ घड़ियाल। तो अभी हम चलते जा रहे हैं। अब देखो जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, अगर टाइगर ने हम पे अटैक कर दिया, हमको खा गया, कोई सेफ्टी नहीं हमारे पास, हम अपने रिस्क पे आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे कुछ भी अलाव नहीं है, गन या फिर कुछ भी, कोई वेपन कुछ भी अलाव नहीं है। इवन हम एनिमल्स को पत्थर भी नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, डरा भी नहीं सकते। एनिमल्स को डिस्टर्ब करने में यहाँ पे 500 से 50,000 तक का फाइन है। अभी जो पिछले साल 2019 में फाइन पड़ा था हरियाणा के ऊपर, 75,000 का फाइन पड़ा था। गाइस यहाँ पैदल भी नहीं चल सकते, और ना यहाँ पे कुछ तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप फेंक भी नहीं सकते यहाँ से, कोई चीज आप उठा भी नहीं सकते। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं, गेस्ट हाउस में जंगल के अंदर। तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे रात को, अभी एंट्री वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घूमने के लिए। और पीयूष तो इसमें लगा हुआ, मजा आ रहा है इसमें, बंदर को देख रहा हूँ। यहाँ पर आने के लिए ना एक डेढ़ महीना पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है, तो हमने बुकिंग करा दी थी, इसलिए आज हमको मौका मिला यहाँ आने का। यहाँ मतलब
यहाँ मतलब हर कोई नहीं आ सकता, आपको एक डेढ़ महीना पहले बुकिंग करानी पड़ती है। पीयूष साहिल आ जाओ, आ जाओ। मेरे को ना भैया के हाथ में बहुत मजा आ रहा है, भैया ना एनिमल्स के बारे में, जंगल के बारे में इतनी नॉलेज दे रहे, इतना इतना कुछ बता रहे हैं ना, तो उसमें मजा आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? मूवमेंट है टाइगर इस तरफ से। क्या हुआ? तो अभी गाइस सभी के सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 6 जिप्सियाँ हैं, यहाँ पे शायद टाइगर आ सकता है, अभी वहाँ से उठ के आया हूँ, तो देखते हैं जो भी है। एक टाइगर को देखने के लिए देखो कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं एक टाइगर के लिए। यहाँ पे जिप्सियाँ बढ़ती जा रही हैं, 7-8 जिप्सियाँ हो चुकी हैं। एक बार आ जा। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं। एनिमल्स को देखने के लिए पेशेंस होना चाहिए, नेचर में आके पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस काफ़ी देर वेट किया यहाँ पे और अभी तक तो आया नहीं है, तो हम जा रहे हैं कहीं और, हमारा पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं सांभर रोड, वहाँ पे हमको इडली सांभर कुछ मिलता है तो भाई टाइगर तो देख के जाएंगे, चाहे आज नहीं तो सुबह देख के जाएंगे, कल देख के जाएंगे, टाइगर तो देख के जाएंगे। यहाँ पे वो शिकार करता है, देखो यहाँ पे शिकार वाला एरिया है पूरा। गाइस कितना सुंदर लग रहा है यार, मछली काट रहे या काट रहे हो? अब सीधा हो गया। क्या देख रहे तू? तो गाइस ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर से, लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, तो अभी चलते हैं। चलो यहाँ पे हो रही है वाटर क्रॉसिंग, अभी हमको भी शायद वहीं से जाना है पानी में से, और अभी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। तो क्या देख रहा है सामने? देखो एक सांबर डियर भी है यार। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सन, ये देख सन का जो रिफ्लेक्ट आ रहा है ना पानी में, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ भी वेट कर रहे हैं टाइगर का, अभी यहाँ से ना ऊपर गया, बता रहे थे दूसरे जिप्सी वाले, यहाँ से ऊपर गया है, अब तो क्यों ही वापस आएगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि हम पिंजरे में हैं, एनिमल्स घूम रहे हैं, हम पिंजरे में हैं। तब से गाड़ी में ही बैठे हैं, हम गाड़ी से उतरना नहीं है ना। कितनी सारी जिप्सी आई हैं, जिप्सी में से कोई भी गाड़ी में से नहीं उतरा था, सारे जिप्सी में ही थे, लेकिन वाइब्स बहुत मस्त है यहाँ पे। तो टाइगर ये रिवर क्रॉस करके ऊपर गया ऊपर, आज तो मुझे लग रहा है कि दिखना मुश्किल ही है, देखते हैं कल सुबह दिखेगा। तो अब हम जाएंगे सीधा अपने गेस्ट हाउस में और वहाँ खाना पीना खाएंगे, बिकॉज सुबह खा के आए थे, कुछ खाया भी नहीं है। और पता यहाँ पे ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो आज पूरी रात भर हमको बिना नेटवर्क के रहना पड़ेगा, किसी से बात नहीं कर सकते, नेट नहीं चला सकते, वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। गाइस ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, स्पॉटेड डियर, बच्चा भी उसका, टाइगर का खाना है ये। अभी फिर से वहीं आ गए सभी के सभी, खतरनाक कैमरा, खतरनाक लेंस, नहीं दिखा गाइस, नहीं दिखा। तो गाइस देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, तो चलो चलो चलते रहो। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस पे, जिसका नाम है ढिकाला, और सारी जिप्सियाँ आ चुके हैं यहाँ पे, आज रात को यहीं रुकेंगे। भाई कितनी सारी जिप्सियाँ हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। मस्त जगह है, मस्त रात को बैठ के, इससे रात को थोड़ा देखिएगा, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा मजा आ रहा है ना, मस्त वाली वाइब्स आ रही है। बेसिकली सभी के सभी यहाँ एनिमल्स टाइगर देखने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो व्यू और वाइब्स इन्जॉय करने के लिए आया हूँ। मेरे कैमरे में, लेंस में, माइक में, सब जगह मिट्टी घुसी पड़ी है, इवन मेरे बालों में भी पूरी। लाइट मिल जाएगी? लाइट होगी, चार्ज कर सकते हैं? चल लाइट मिल जाएगी, अब एडिटिंग तो कर ही लेंगे। जंगल में आके भी हमको इतना बढ़िया रूम मिल गया, अभी टूर देता हूँ आपको, मतलब सही है। मेरे को लग रहा था कि नॉर्मल कोई कॉटेज सा मिलेगा, जहाँ पे मतलब मस्त देसी वाली वाइब्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे तो लग्जरी टाइप का ही है। दिखाता हूँ आप, रूम टूर देते हैं। चलो चलो ऐसे करते हैं, फिर इसको डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे, यहाँ पर एक स्विच है जो चलता है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको एक रूम, यहाँ पे एक्स्ट्रा गद्दे भी हैं दो, अगर किसी को बिछा के सोना है तो, नीचे बिछा के सोना है, बेड है, सही है, यहाँ पर है, और एक और रूम दिया हुआ भाई। यहाँ अंदर आओगे, यहाँ मिलेगा आपको मस्त एक सोफा और डबल बेड एक, और यहाँ पर एक मस्त अपना थोपड़ा देखने के लिए, और यहाँ कुछ पानी वानी रखा है, एंड इसके अंदर है वॉशरूम, और अंदर गीजर भी है, और साथ में टूथब्रश और सोप। नहाएंगे हम फिर भी नहीं। आप कुछ खाते हैं? बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। भाई हम जंगल के बीच में कहीं हैं, हम 6 घंटे जंगल के अंदर गाड़ी में घूम रहे हैं, तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन एनिमल्स हमको सिर्फ डियर से दिखे हैं और कुछ नहीं दिखा। भाई मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया, खुली गाड़ी कोई उठा के ले जाएगा भाई, मेरा मेन फ़ोन है वो, है क्या? देखियो नहीं है भाई, है क्या कहीं? देखियो रूम में क्यों रखूँगा मैं, ये रहा मिल गया, कहाँ घुसा हुआ देखियो पागल। ओ भाई फाइनली फ़ोन मिल गया, मेरी जान निकल गई थी और जिप्सी खुली पड़ी थी। तो अभी गाइस हम चाय पी रहे हैं और टोस्ट खा रहे हैं, अभी तो ये खाएंगे, इसके बाद फिर खाना खाएंगे। मैं बार बार फ़ोन निकाल रहा हूँ और देख रहा हूँ भाई नेट ही नहीं है यहाँ पे, नेट ही नहीं है। मेरे मैनेजर फ़ोन कर रहा होगा, बहुत लोग फ़ोन कर रहे होंगे। तो अभी गाइस चाय पी के तो आ गए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, फ़ोन चल नहीं रहा है, एडिटिंग मैं तो एडिटिंग कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे लाइट है।
बैठे बैठे क्या आग्रह करना है, कुछ काम शुरू करो अंतराक्षी लेके प्रभु का नाम। तो भी गाइस 8 बज चुके हैं, अब जा रहे डिनर करने के लिए, जल्दी से डिनर करेंगे और फिर सोएंगे बिकॉज बहुत थक गया ना, सुबह जल्दी भी उठना है, सुबह जल्दी उठ के सनराइज देखेंगे और सुबह सुबह हमारा जल्दी जाने का प्लान है ताकि टाइगर दिख जाए और एलिफेंट जो भी दिख जाए। चावल भी डाल, दाल भी डाल। तो गाइस अभी अपना खाना तो आ चुका है, तो गाइस खाने में दाल चावल पनीर पास्ता सलाद और रोटी, ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में आ गया, जंगल वाली वाइब्स नहीं आ रही। जो भी है गाइस खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, एकदम घर जैसा खाना हो रहा है। तो भी गाइस खाना खा के अभी हम यहीं पे ऐसी कैंपस में घूम रहे हैं, खा पी के रूम पे आ गए हैं फाइनली, तो फिलहाल सोएंगे। आज के ब्लॉग में हम देखा हम सफारी में आए थे, काफ़ी मजा आया हमको, लेकिन हमको एनिमल्स नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी मस्त वाली वाइब्स आ रही हैं। तो कल देखना, कल सुबह सुबह हम निकलेंगे 6 बजे दोबारा सफारी के लिए, तो होपफुली सुबह सुबह हमको एनिमल्स दिख जाए, बेसिकली टाइगर दिख जाए। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और पीयूष आज यहाँ सोएगा शायद, क्योंकि फॉर्चुनर में सोया हूँ भाई, यहाँ तो भाई भाई अपन तीन तो आराम से आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें नहीं आ पाएंगे उधर, मैं एक को नीचे सोना, तू बीच में आ जाएगी ना।